हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं उस प्रपोर्शन पे बात करने लगा हूँ जो प्रपोर्शन बहुत ही कॉमन भी है और कॉमन के साथ साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रपोर्शन बाय। जैसे कि आप लोगों ने ड्राइविंग तो कभी की होगी या आप लोगों का पेशन भी हो सकता है ट्रैवलिंग, तो आप लोगों ने कभी ट्रेन पे सफ़र किया होगा या आप लोगों ने कभी एरोप्लेन पे भी सफ़र किया होगा। मे भी हो सकता है कभी आपने बाइक पे भी राइडिंग की हो, तो हो सकता है कभी आप कार में भी सफ़र किया होगा। तो ये बहुत सारे जो हमारे सोर्स हैं, मीन्स हैं ट्रैवलिंग के, तो इनके लिए हम लोगों ने क्या प्रिपोजिशन यूज़ करते हैं वो सीक्रेट हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि कभी कभी आप लोग अपनी बाइक पे राइडिंग करते हो, कभी कभी आप लोग किसी दोस्त की बाइक को लेके जाते हैं, या आप लोग कभी रेफरेंस देके किसी दूसरी कार लेके आते हैं फिर उसमें जाते हैं। तो यहाँ पे जब अपनी बाइक पे जा रहे हो या किसी फ्रेंड की बाइक पे जा रहे हो तो किस प्रिपोजिशन का यूज़ होगा वो मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताऊँगा। इसके साथ साथ कभी आप लोग क्या करते हैं, अपनी अपने रूम की मेजरमेंट करते हैं, तो आप लोगों को क्या प्रपोर्शन यूज़ करना चाहिए वो ये सारे सीक्रेट्स, ये सारे कॉन्सेप्ट मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो अगर आप लोग ये सीक्रेट्स जानना चाहते हैं तो रहिएगा मेरे साथ वीडियो के आखिर तक। और आइए करते हैं स्टार्ट हम प्रपोर्शन बाय। फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्ट द यूज ऑफ प्रपोर्शन बाय। ये रूल नंबर वन बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आइए हम डिस्कस करते हैं रूल नंबर वन, हम प्रपोर्शन आन के क्या बताता। पहला यूज ऑफ प्रपोर्शन आए यूज वेन टू शो द पाथ, वो रास्ता दिखाने के लिए। जब हम ट्रैवलिंग करते हैं तो ट्रैवलिंग का रास्ते को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग प्रपोर्शन बाय का यूज करते हैं। या हम लोग किस में ट्रैवलिंग कर रहे हैं, मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग, राइट। हम ट्रैवलिंग करने के तरीके को या किस के वसीले को या जरिए को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए हम प्रपोर्शन बाय का यूज करते हैं। तो इसके अंदर मैंने तीन सेंटेंस से लिखे हैं और तीन सेंटेंस के साथ थ्री कॉन्सेप्ट भी है। थ्री सेंटेंस इज इक्वल टू थ्री मेन कॉन्सेप्ट, राइट। तो आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर वन। कॉन्सेप्ट नंबर वन ये बताता है कि ही प्रेफर्स टू ट्रैवल बाय एयर, वो हवाई जहाज को, वो हवाई जहाज के सफर को अवलय देता है, राइट। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे एयर लगाया, हवाई सफर। यहाँ पे मैंने कहा कार, यहाँ पे ट्रेन सी बाइसाइकल। तो यहाँ पे इस फर्स्ट कॉन्सेप्ट के अंदर मैं बात कर रहा हूँ वेरी मच कॉमन, मैं कह रहा हूँ हवाई सफर। अब हवाई सफर डिफरेंट्स एरोप्लेन के अंदर हो सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे मैंने कहा ही प्रेफर्स टू ट्रैवल बाय कार, अब वो कार के सफर को ज्यादा अवलियत देता है, पहले अवलियत देता है, राइट, तरजीह देता है ज्यादा। तो यहाँ पे जो कार की बात हो रही है वो कार कॉमन कार है, किसी पर्टिकुलर किसी रेफरेंस दे के बात नहीं कर रहे। अब वो कार जो जनरली चल जाती है, राइट, ही मैं कहूँ बस। अब जो बस है वो कॉमन ऑन द डेली बेसिस वो गांव से सिटीज तक जाती हैं, तो वो उसके अंदर बहुत सारे बंदे जो हैं वो सफ़र के पैसेंजर सफ़र करते हैं, तो वो बहुत ही कॉमन है, वो ऑन द डेली बेसिस जाती हैं। तो यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ये कॉमन है। जब भी आप लोग किसी कॉमन मीन्स के अंदर ट्रैवल करो तो आप लोग प्रपोर्शन बाय का यूज़ करोगे, राइट। जिस तरह ही प्रपोज टू ट्रैवल बाय एयर और बाय कार, बाय ट्रेन, बाय सी, बाय बाईसाइकिल, राइट, बाय बस। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो जिस मीन्स की बात हो रही है वो मीन्स कॉमन है, सारे बंदों के लिए कॉमन है, हर पैसेंजर उसके अंदर जा सकता है, ट्रैवलिंग कर सकता है, राइट। तो उसके लिए हम लोगों ने प्रपोर्शन बाय का यूज़ किया। और दूसरा सेंटेंस दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ वो क्या बताता है, जब हम जो मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग है उसको हम लोग रेफरेंस देके किसकी बात करें। यहाँ पे क्या है, वी ट्रैवल्ड इन मिस्टर दिलशांत कार, हमने क्या किया, यहाँ पे रेफरेंस दिया है मिस्टर दिलशांत कार। हम लोगों ने किस कार की बात करें, जो कार दिलशांत की है, जो कार किसकी है, दिलशांत की है। तो इस सेंटेंस के अंदर हम लोगों ने क्या यूज किया, प्रपोर्शन इन का यूज किया है। तो माइंड में रखिएगा कि जब भी आप लोग रेफरेंस देके बात करोगे, किसी फ्रेंड का रेफरेंस देके, किसी रिलेटिव का रेफरेंस देके बात करोगे या उसके कार में ट्रैवलिंग करोगे तो आप लोग प्रपोर्शन इनका यूज करेंगे, राइट। तो ये कार जो है ये मिस्टर दिलशांत की कार है, को अगर हम इस कार के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं तो हम लोग प्रपोर्शन इनका यूज करें। और ये जो बस है ये बस कॉमन बस है जो सारे पैसेंजर्स को पिकअप करती है ऑन द डेली बेसिस, तो उस बस के लिए आप लोग क्या यूज करोगे, आप लोग बाय का यूज करोगे, राइट। तो कॉमन बस के लिए या रेफरेंस दे के बस के रेफरेंस दे के बात करोगे तो हम लोग बाय और इनका यूज करेंगे। कंसेप्ट नंबर थ्री क्या बताता है, कंसेप्ट नंबर थ्री कहता है कि आई शुड गो ऑन
7:30 बस, अब जो 7:30 बस जाती है मैं उसमें सफर करूंगा, मैं उसमें जाऊंगा। तो साढ़े यहाँ पे हम लोगों ने क्या प्रपोर्शन यूज किया है, आन यूज किया है। देखो इनका यूज था और यहाँ पे आन का यूज है। तो इन हम लोगों ने किस किस के लिए इन यूज करते हैं, टैक्सी के लिए, वैन के लिए, कार के लिए और लॉरी के लिए, एम्बुलेंस के लिए, इनके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं। क्योंकि ये जो चीजें ये कवर्ड है, हम लोग इसके अंदर आ जाते हैं और वो हम लोग कवर्ड हो जाते हैं। तो हम लोगों ने प्रपोर्शन इनका यूज किया और इसके अंदर प्रपोर्शन आन का यूज करेंगे। आई शैल गो ऑन 7:30 बस, अब यह हम लोग कह सकते हैं ऑन फुट, ऑन बाइसाइकिल। अब बाइसाइकिल पे हम लोग क्या होते हैं, कवर नहीं होते, राइड करते हैं ऑन द बाइक, यहाँ पे ऑन फुट राइड। तो यहाँ पे इस तरह हम लोग ने प्रपोर्शन ऑन का यूज करेंगे इस सेंटेंस के अंदर, राइट। तो यहाँ पे कंसेप्ट 3 हमने बता दिए, कंसेप्ट नंबर 1, कंसेप्ट 2, कंसेप्ट 3। तो हम लोग ने बाय यूज करेंगे, बाय तब यूज करेंगे जब जो हमारा सोर्स हो या मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग हो वो बहुत ही कॉमन हो सारे पैसेंजर्स के लिए, और जब इन हो वो किस मीन्स जो है उसको हम रेफरेंस दे के बात करें। यहाँ पे आन, इन आन को जस्ट अंडरस्टैंड करना है कि कहाँ इन यूज करना है, कहाँ आन यूज करना है, राइट। तो मूव करते हैं हम लोग कंसेप्ट नंबर रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 हमें ये बताता है टू इंडिकेट डूअर एजेंट ऑफ एनी एक्शन, किसी काम करने को, काम करने वाले बंदे को, डूअर ऑफ एनी एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम प्रपोर्शन बाय का यूज करते हैं। स्पेशली इसको हम पैसिव वाइज सेंटेंसेस के अंदर यूज करते हैं प्रपोर्शन बाय को। जिस तरह अ लेटर इज रिटन बाय असलम, खत असलम से लिखा गया, राइट, या खत असलम से लिखा जाता है, राइट। तो यह अ लेटर इज रिटन बाय असलम, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, बाय असलम। तो इस सेंटेंस के अंदर डूअर ऑफ एक्शन कौन है, द डूअर ऑफ एक्शन ये असलम है। तो असलम को रिप्रेजेंट करने के लिए, डूअर ऑफ एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों ने प्रपोर्शन बाय का यूज किया। इसके अंदर द स्नेक वाज किल्ड बाय द फार्मर, सांप था, सांप किसान से मारा गया, सांप किसान से मारा गया, बाय द फार्मर। हम लोगों ने इसके अंदर भी क्या यूज किया, बाय द फार्मर। ये देखो स्नेक है और स्नेक किस से मारा गया, फार्मर से मारा गया। तो हम लोगों ने क्या यूज किया, The snake was killed by the farmer. तो यहाँ पर doer of action कौन था, ये farmer था। तो farmer को represent करने के लिए हम लोगों ने क्या use किया, by का use किया, right? उसके बाद हम move करते हैं आगे concept rule number 3 में। rule number 3 ये बताता है कि कब कब हम लोग जब promise करते हैं, जब oath लेते हैं, कब जब हम लोग कसम खाते हैं या हम लोग वास्ता देते हैं, तो हम लोग preposition by का use करते हैं। जिस तरह He swore by God, उसने खुदा की कसम खाई। अब इस सेंटेंस का किसकी कसम खाई, खुदा की कसम खाई। तो हम लोगों ने क्या यूज किया, by God। इस सेंटेंस के अंदर she always swears by you, वो हमेशा आपकी कसम खाती है। पता नहीं क्यों कसम खाती है, लेकिन कसम, हो सकता है आप पे उसका ज्यादा ट्रस्ट हो सकता है वो ज्यादा बिलीव करे, हो सकता है कि आपसे उसकी मोहब्बत हो, उस वजह से वो क्या कहते हैं, she always swears by you, right? आपकी कसम खाती है। तो हम लोगों ने क्या यूज किया, बाय गॉड, बाय यू, बाय मदर, बाय फादर, इस तरह हम लोग यूज कर सकते हैं प्रपोर्शन बाय का यूज। रूल नंबर फोर ये बताता है कि प्रपोर्शन बाय यूज होता है, तब यूज होता है जब टू शो द टाइम, जब हम टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, टू शो द मेजरमेंट और टू शो द डिवीजन इन अर्थमेटिक। जब हम टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या मेजरमेंट कर रहे हैं या हम अर्थमेटिक के अंदर डिवाइड कर रहे हैं, तो हम प्रपोर्शन बाय का यूज करते हैं। जिस तरह मान लीजिए कि मैं दोस्त से कहता हूँ कि आपकी घड़ी के अंदर टाइम क्या हुआ है, तो मैं किस तरह कहूँगा, मैं ट्रांसलेट करूँगा व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच। अब मैं यहाँ पे इन योर वॉच नहीं कहूँगा, अगर मैं कहूँ व्हाट इज टाइम इन योर वॉच तो ये गलत हो जाएगा, व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच ये सही है। तो इस सेंटेंस के अंदर हम लोगों ने यूज किया बाय, तो बाय हम लोगों ने उस वजह से यूज किया है कि यहाँ पे टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम इस सेंटेंस के अंदर। जब भी हम सेंटेंस के अंदर टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे तो प्रपोर्शन बाय का यूज करेंगे। मान लीजिए कि मैं कहता हूँ आई शैल रिटर्न बाय 10 o'clock इन द मॉर्निंग, मैं कल सुबह 8 बजे वापस लौट आऊंगा, तो मैंने क्या यूज किया, बाय 10 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह 10 बजे, तो मैंने प्रपोर्शन बाय का यूज किया, राइट। तो इस वजह से मैंने कहा कि यहाँ पे भी हम लोग क्या यूज करेंगे, बाय यूज करेंगे। तो जब भी टाइम की बात होगी तो हम लोग प्रपोर्शन बाय का यूज करेंगे। उसके बाद हमने बात की कि मेजरमेंट, यहाँ पे क्या हो गया, मेजरमेंट की बात हो, जब हम किसकी मेजर करते हैं तो हम लोग प्रपोर्शन बाय का यूज करते हैं। अज्यूम कर लें कि ये आपका रूम है, अब अगर आपको इस रूम की मेजरमेंट करनी है तो आप लोग किस तरह बताओगे,
कि आप लोग कहोगे कि इसकी लेंथ ये है, ये विड्थ ये है, तो लेंथ और विड्थ का रेशियो बताते हो बाय यूज करते हो। जिस तरह दिस रूम इज 20 feet by 15 feet, अब अगर इस जो आपका रूम है ये, इस रूम की मेजरमेंट जो है वो क्या है 20 feet by 15 feet, यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज किया, बाय का यूज किया है। तो जब भी आप लोग क्या करोगे, किसी रूम की मेजरमेंट करोगे, किसी बिल्डिंग की मेजरमेंट करोगे, किसी डोर की मेजरमेंट करोगे, तो आप लोग किस यूज करोगे, प्रिकॉशन बाय का यूज करोगे। बाय का यूज करते हुए आप बताओगे कि इसकी लेंथ ये है या विड्थ ये है। मान लीजिए कि मैं कहता हूँ द प्राइसेस हैव बीन इंक्रीज्ड बाय ₹100। अब जो प्राइसेस हैं, जो कीमतें हैं, वो 100 रुपए से बढ़ गई हैं। तो यहाँ पे ये जो कितने से मेजरमेंट कर रहा हूँ, मनीष की मनी की मेजरमेंट कर रहा हूँ कि वो कितने से प्राइसेस बढ़ गई हैं, 100 रुपीज से बढ़ गई है। द प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड बाय 100 रुपीज। तो इसमें बाय का यूज कर रहा हूँ, क्यों यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे इसके मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ कि उसकी प्राइसेस जो बढ़ी है वो कितनी बढ़ी है। तो मैंने कहा कि 100 से बढ़ गई है, राइट। उसके बाद डिवाइड 20 divided by 5 is equal to 4। अगर 20 को डिवाइड किया जाए 5 से तो जवाब आएगा 4। तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, 20 divided by 5, तो बाय का यूज कर रहे हैं जब हम लोग क्या कर रहे हैं, अर्थमेटिक की डिवाइड कर रहे हैं। 50 divided by 5, राइट, 2 divided by 5, हम लोग जब भी डिवाइड हम लोग अर्थमेटिक के अंदर डिवाइड करेंगे तो प्रपोर्शन बाय का यूज करेंगे, राइट। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग रूल नंबर 5 पे। रूल नंबर 5 ये बताता है कि जब भी जिस्म के किसी पार्ट को रिप्रेजेंट करना होता है, एक इंसान के किसी जिस्म के पार्ट को रिप्रेजेंट करना होता है, तो हम लोग प्रपोर्शन बाय का यूज करेंगे। हम लोग पार्ट उस पार्ट की बात करें जिस पार्ट को हम टच करें, जो पार्ट छुआ जाए, उस पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रपोर्शन बाय का यूज करते हैं। जिस तरह देखिएगा कि द पुलिसमैन सीज द थीफ बाय द हेयर। अब जो पुलिस वाला था उसने चोर को पकड़ा, कहाँ से पकड़ा, बालों से पकड़ा। तो यहाँ पे अब जो बाल है वो इंसान का जिस्म के एक पार्ट है, तो पार्ट जिसको टच किया पुलिस वाले ने, उस पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करें, बाय द हेयर। पुलिस वाले ने चोर को बालों से पकड़ा, किससे पकड़ा, बालों से पकड़ा। तो हम लोगों ने यहाँ पे किसका यूज किया, बाय का यूज किया। तो मान लीजिए कि ये मेरा फ्रेंड है, अब अगर मैं इस फ्रेंड को हाथ से पकड़ता हूँ, हाथ से इस फ्रेंड को पकड़ता हूं, तो मैं क्या यूज करूंगा, आई टुक माई फ्रेंड बाय हिज हैंड। मैंने अपने दोस्त को हाथ से पकड़ा, हाथ से रोका, तो मैंने क्या यूज किया, प्रपोर्शन बाय का यूज किया, राइट। अगर ये मुझसे नाराज हो जाता है और ये नाराज होता है, मैं कहता हूं आई कॉट माई फ्रेंड बाय हिज नेक, मैंने उसको गले से पकड़ा, मैंने उसको क्या किया, गले से पकड़ा। आई कॉट माई फ्रेंड बाय हिज नेक, तो मैंने उसको गले से पकड़ा। तो जब गले से पकड़ना या हाथ से पकड़ना या बालों में से पकड़ना जब भी हम लोग यूज करेंगे सेंटेंस के अंदर, तो इसके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, बाय, प्रपोर्शन बाय का यूज करेंगे। उसके पास हम लोग यूज करते हैं, और इसका रूल नंबर जो 6 है वो बाय का ये बताता है कि जब आप लोग ऑन द डेली बेसिस किसी जगह के पास गुजरते हो, तो गुजरने को रिप्रेजेंट करने के लिए आप लोग प्रपोर्शन बाय का यूज करते हो। जिस तरह सेंटेंस के अंदर क्या है, आई गो बाय द पोस्ट ऑफिस एवरी मॉर्निंग ऑन माई वे टू वर्क। जब भी मैं काम पे जाता हूँ तो मैं पोस्ट ऑफिस के साथ साथ गुजरता हूँ। अज्यूम करो कि ये आपकी पोस्ट ऑफिस है, ये कोई पोस्ट ऑफिस है, जब भी आप काम पे जाते हो तो इस पोस्ट ऑफिस के करीब यहाँ से गुजरते हो, तो आप लोगों ने क्या यूज करना है इसके अंदर, आप लोग यूज करोगे प्रपोर्शन बाय का, प्रपोर्शन बाय का के आई गो बाय द पोस्ट ऑफिस, ये पोस्ट ऑफिस, इसके साथ साथ आप लोग यहाँ से मूव होते हो, ऑन द डेली बेसिस पोस्ट ऑफिस के करीब करीब पास होते हो, तो आप लोग क्या यूज करोगे, आई गो बाय द पोस्ट ऑफिस, यहाँ पे क्या, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस, यहाँ से गुजरते हो तो बाय द पोस्ट ऑफिस, राइट। आई गो बाय द पोस्ट ऑफिस एवरी मॉर्निंग ऑन माई वे टू वर्क, जब भी मैं काम पे जाता हूँ तो मैं पोस्ट ऑफिस के करीब से ही गुजरता हूँ, तो आप लोग प्रपोर्शन बाय का यूज करोगे। उसके बाद जो लास्ट यूज है प्रपोर्शन बाय का, वो हम लोगों को यह बताता है कि जब आप किसी चीज को नियर का तस्लीम करो, या बिसाइड हो, आपके साथ हो, आपके करीब हो, तो प्रपोर्शन बाय का यूज करोगे। जिस तरह आपने कहा कि कम एंड सिट मी, आओ और मेरे साथ बैठो, अब यहाँ पे मेरे साथ बैठो, यहाँ पे
मेरे साथ बैठो तो आप लोगों ने क्या क्या, करीब करीब या नियर बैठो तो आप लोगों ने प्रपोर्शन बाय का यूज किया, कम एंड सिट विद मी, कम एंड सिट, कम एंड सिट बाय मी, यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया, सिट एंड कम बाय मी, मेरे साथ बैठो, राइट। या आप लोगों ने कहा कि माई हाउस इज बाय द रिवर, अब मेरा जो घर है वो दरिया के करीब है, दरिया के साथ है, तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या यूज किया, बाय का यूज किया। तो मैं आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट्स यूजेस ऑफ प्रपोर्शन बाय समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या इसको कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गए हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।